1 जुलाई से लगातार अपनी मांगों के साथ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ आंदोलनरत है। इसी कड़ी में 10 जुलाई को मध्यान्ह भोजन रसोईया संघ ने बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। संघ का कहना है कि हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद आज कर्मचारियों को उचित मजदूरी दर का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में 40 रुपये की मजदूरी दर से इनका गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। वहीं इस मामले में संबंधित आला अधिकारी भी शासन तक अपनी बात पहुंचाने में नाकाम दिखाई देते हैं। संघ ने कहा है कि अगर आने वाले दिनों में सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ये न्यूनतम मजदूरी को लेकर के है, जो इन लोग कर्मचारी हैं ये बेचारे जो हैं 40 रुपया रोजी पाते हैं, स्कूलों में काम करते हैं, स्कूल का जो स्कूल खोलने से लेकर के खाना बनाने तक कई जगह में इन लोग पूरे चपरासी के पूरा कार्य करते हैं और पूरा स्कूल को बंद करते तक इन पूरा इनका समय देते हैं। और इनके लिए ये भी बात ये है कि हाईकोर्ट ने भी निर्णय दिया है कि इनको जो है कम से कम कार्य के अनुसार वेतन दें। तो हम लोगों का शासन से आग्रह है कि जो अकुशल श्रमिक को जो मिलता है कम से कम उन संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए अकुशल श्रमिक को मिलता है वो तो दें। बात यह है कि कई बार करस्पॉन्डिंग और बातचीत हुई है, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत इन लोग आते हैं, जो संस्थाएं इनको सामान देती हैं वो सामान भी इन लोगों को पूरा नहीं मिलता, चावल दाल सब्जी और बहुत सारी बातें जो उच्च अधिकारी मंत्रियों तक पहुँचा नहीं पाते हैं या उच्च अधिकारियों तक वो बातें पहुँचती नहीं है, फाइल में दबे रहती हैं। आज हाईकोर्ट के निर्णय के पश्चात भी वो 40 रुपये रोजी पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं, ऐसे हमारे पूरे संगठन हैं जो 1 जुलाई से बैठे हुए हैं, 36 संगठन हैं, तो प्रतिदिन एक एक संगठन अपनी मांगों को लेकर ध्यान आकर्षण कर रहा है। हम शासन से आग्रह करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि इनकी मांगों को तत्काल पूरा करें और जैसे सबके लिए हैं कम से कम अब ये समय चुनाव का भी आ रहा है, आप अपने संसाधनों को देखते हुए हमारी जो न्यूनतम मांगें, सरकारी कर्मचारी तो ठीक है लेकिन न्यूनतम मजदूरी वाला विषय ऐसा है दोस्तों कि ये काम तो करते हैं, काम के बदले में कम से कम न्यूनतम मिलना चाहिए।